बार चूड़ा बोलूंगी आप लोग भी सोचेंगे कि अरे मेरी दादी को भी मिला था। गलत है कि अभी तक मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, इसमें कहाते कहाते थक गई यार, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है। आई डोंट नो, सबको पता है कि हम लोग रोजा खजूर। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशु, वेलकम बैक टू माई व्लॉग वीडियो। एंड कैसे हो आप सभी, आप लोग का रोज़ा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड अभी जस्ट मैं अपना एक ब्लॉग फिनिश की हूँ, तो मैं सोची यहीं से अपना एक ब्लॉग शुरू भी कर लेते हैं। एंड आप सब कैसे हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड आप लोग रमज़ान में क्या कर रहे हो, आप लोग ईद में क्या करने वाले हो, किस टाइप के आउटफिट लेने वाले हो, एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कुछ भी है प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज मुझे आप लोग के कॉमेंट्स रीड करने बहुत अच्छे लगते हैं। एंड तो यहाँ से हम लोग अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। रो रो दो देख रही हो, इसका एक्टिंग देख रही हो ना, एक बार रो दो उस्मान, बस एक बार रो दो, कस के रो दो, हिंगिया कर दो, हिंगिया देख रही हो ना। अरे रो यार, अरे ये खुद कंफ्यूज है, अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5:30 बज रहे हैं और आज मेरे घर पे कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है, और मैं एक इकलौती ही रोजा हूँ और मुझे अपना इफ्तार खुद ही रेडी करना है। एक्चुअली चना मम्मी बना चुकी है, चना मम्मी बना के गई, सिर्फ मुझे उसे थोड़ा गर्म कर लेना है क्योंकि चना मुझे बनाने नहीं आता है, थोड़ा सा मसाले वगैरह का लोचा हो जाता है। तो चलो नीचे चलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अजान हो जाता है 5:58 या फिर 6 बजे के आसपास में, तो हम लोग अभी नीचे चलते हैं, अपना हल्का फुल्का सा इफ्तार रेडी करते हैं। एक्चुअली आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। आई डोंट नो द रीज़न इज़ ब्लड प्रेशर और समथिंग एल्स, बट मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं सीढ़ी पे भी उतर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी। एंड रोज़ा की वजह से तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत गर्मी में रोज़ा रखे हैं, बट कभी भी ऐसा सीन कुछ ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, बट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चक्कर आने का, ब्लड प्रेशर का, लाइक मेनी मोर थिंग्स। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं, मम्मी बोली है कि शरबत बना लेना नींबू पानी का, पहले नींबू पानी का शरबत पीना तब रूह अफ़ज़ा पीना, पहले ही रूह अफ़ज़ा पी ले रही हूँ, तुम नमक ले ही नहीं रही हो अपनी लाइफ में, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू पानी और नमक चीनी मतलब शरबत, और बनाएंगे हम लोग रूह अफ़ज़ा भी, बिकॉज आई लव रूह अफ़ज़ा रोज़ा रखने के बाद। और आज का दिन थोड़ा सा हार्ड था, तो हाँ मैं शरबत भी पी सकती हूँ और रूह अफ़ज़ा भी पी सकती हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं एंड फिर अपनी इफ्तार को रेडी करते हैं, फिर इफ्तार रेडी करने के बाद मैं ऊपर आऊँगी क्योंकि आज मैं अपने ही रूम में इफ्तार करूँगी, क्योंकि जब मैं अकेले रहती हूँ तो वाओ नेचुरल लाइट में फेस ज़्यादा बेटर लगता है आर्टिफिशियल लाइट से। सो लेट्स गो गाइस, बस हो रही थी कि बैंगनी बनाऊँगी बट बैंगन है ही नहीं, और शरबत बनाने जा रही हूँ, चूड़ा फ्राई कर लेती हूँ, बट मुझे पता ही नहीं कि चूड़ा कहाँ रखा हुआ है। एक्चुअली आप लोग को मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत काम करती हूँ बट किचन वाले काम से मैं बहुत दूर रहती हूँ, और ट्रस्ट भी मैं शहरी में उठती हूँ सिर्फ अपने रूम में, मेरे रूम में खजूर है, मैं खजूर पी खाती हूँ, अपने रूम में पानी पीती हूँ, नियत करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर फजर के टाइम उठती हूँ, क्योंकि मैं शहरी में अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकती हूँ यार, पता नहीं मम्मी किस तरीके से ये सब चीज़ें हैंडल करती है। एंड यही सारी रीजंस हैं कि अभी तक मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, आफ्टर मैरिज सिर्फ वो रोमांस वाली थिंग आपकी लाइफ में नहीं आती, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, बट आई हैव सीन कि कुछ चीज़ें आपके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दी जाती है, जैसे शहरी में सिर्फ आप ही उठो, आप सबके लिए पराठे बनाओ, ये करो वो करो। हमारे घर में कभी शहरी में पराठे नहीं बने क्योंकि मम्मी के ऊपर हम लोग इतना बर्डन नहीं डाल सकते हैं, आप रात का खाना भी बना रही है, आप पराठे भी बना रही है शहरी में, यार रात में हम लोग खाना खा ले रहे हैं, इनफैक्ट रात में हम लोग लेट से डिनर ही करते हैं, और शहरी के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, हमारा पेट कितना डाइजेस्ट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी हल्का फुल्का जैसे दूध हो गया, खजूर हो गया, और दूध में मिक्स करके कुछ भी खा लो, बट ऐसे स्पेशली नहीं कि एकदम पराठा बनाना है, चाय बनाना है, और ये सारी चीज़ें मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है। यार बकवास करते करते मेरा शहरी का टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। इधर मैंने इसमें नींबू घोल दिए हैं और अभी इसमें शुगर ऐड करूँगी, साल्ट ऐड करूँगी, और रूह अफ़ज़ा वाला भी बना लेती हूँ। बहुत रूहअफ़ज़ा ऐसे, इसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाल चुकी हूँ और डाल लेती हूँ थोड़ा सा,
इतना शुगर मैं ले रही हूँ रमजान में, मतलब मेरे को इतनी शुगर मैं बिल्कुल ले लेती हूँ, नॉर्मल डेज में तो बिल्कुल भी नहीं, बट यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, रमजान है तो हम ले लेते हैं। और मैं अपना रूह अफ़ज़ा इस पॉटली में बना ले रही हूँ क्योंकि इसमें शेक करने में बहुत ईजी होता है, बस इसे लॉक करो एंड शेक शेक शेक। अभी ये दोनों में का शुगर ना ऑटोमेटिक खुद ब खुद घुल जाएगा जब तक हम लोग अपने चूड़ा को फ्राई कर लेते हैं। अभी फ्रूट्स भी मेरे को कट करने हैं, पता चला आसान हो गया और बस मैं यही सब शेक करते रह जाऊंगी, तो इन दोनों को हम साइड में रखते हैं। इसमें क्या है, देयर इज नथिंग, तो इसको ऊपर रखते हैं। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है कि चूड़ा किधर और मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, एक सेकंड मेरे को खोजने दो यार, देख रहे हो, इसीलिए मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे लगता नहीं तुम इस घर में रहती हो, तुम इस घर की सदस्य हो। एक तो हमारे घर में ना हॉर्लिक्स और इन सब के डब्बों में ना कुछ और ही मिलेगा आपको, तुम्हें भी इसमें हो। इट इज नॉट साउंडिंग लाइक चूड़ा, इसमें गूंज रहा है चूड़ा, तुम किधर हो, इसमें हो। हाँ इसी में, और भर भर के चूड़ा मिला मुझे। एक्चुअली चना के साथ ये चूड़ा मिक्स करके खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ऊपर से आप थोड़ा सा वो मिक्स कर लो, इसको इसको क्या बोलते हैं, खीरा, खीरा मिक्स कर लो, थोड़ा सा नींबू को ऐसे ही स्क्वीज कर लो, यार बहुत टेस्टी लगता है। इससे चूड़ा फ्राई करना मेरे लिए एकदम मस्ट है, तो छोटी वाली कढ़ाई हम लोग चढ़ाएंगे। एंड आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे ऐसे अवतार बनाते देख करके, हाउ यू ऑल आर फीलिंग? एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड, कभी कभी घर में ऐसे अकेले रहने का ना थोड़ा सा होता है, फील आता है, तो वही फील अभी मुझे आ रहा है। एक तो ऐसा लगता है ना मैं 21 तोपों की सलामी दे रही हूँ कि चलो इतना आवाज करते हैं। इट्स 5:35 एंड अभी हमारे पास 20 मिनट्स है, तो पहले में तो मैं चूड़ा फ्राई कर दूँ। यार कितनी बार चूड़ा बोलूँगी, आप लोग भी सोचो कि यार मैं क्या हो गया तुम्हें, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ी सी एक मुट्ठी के आसपास में। एंड ये चूड़ा हमारे गांव का है एकदम ओरिजिनल, बिना मिक्सचिंग विक्सचिंग के। ओके तो इसको मैं फ्राई कर लेती, बस अजान का टाइम हो ही चुका है एंड मैं अफ्तार अपना लेके ऊपर आ चुकी हूँ, दस्तखान बिछाते हैं यहाँ और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अजान का इंतजार करते हैं, दुआएं मांगेंगे। एंड मैं बहुत ज्यादा थक गई, ट्रस्ट मी। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा अफ्तार जो है सो रेडी हो चुके हैं, फ्रूट्स में मैं इतने सारे फ्रूट्स ले रही हूँ। पानी में मैं तीन तरीके का पानी ले रही हूँ, एक लेमन वाटर है, एक हमारा रूह अफ़ज़ा है और एक नॉर्मल प्लेन वाटर है। यहाँ मेरा चूड़ा भी फ्राई होकर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा सा लास्ट वाला ना हल्का हल्का सा पकड़ रहा था, बट कोई बात नहीं। एंड ये मेरा आज का अफ्तार है, बताना कॉमेंट में कैसा लग रहा है। गाइज बस अज़ान होने वाला है, अज़ान से पहले हम दुआएं कर लेते हैं। सबको पता है कि हम लोग रोज़ा खजूर से ही क्यों खोलते हैं, इस सवाल का जवाब आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में कि हम लोग रोज़ा खजूर से ही क्यों खोलते हैं, मतलब पहले खजूर खा के तभी हम पानी क्यों पीते हैं। मोस्टली मतलब ये मैक्सिमम ये सब लोग करते हैं कि सबसे पहले वो खजूर खाते हैं तब पानी पीते हैं, तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अब बस हम लोग अजान का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से अजान हो जाए फिर हम रोज़ा खोलेंगे, इसके बीच का बीज हम लोग निकाल देते हैं। एंड सबसे पहले मैं प्लेन वाटर लूँगी, ज़्यादा एक बार में बहुत घट घट पानी नहीं पीना है, उससे हेल्थ बहुत डैमेज होता है, तो बहुत ही आराम आराम से हमें खाना भी और बहुत ही आराम आराम से हमें पीना भी है। शायद कहीं का जान हो रहा है दूर का थाल, देख रहे हो ये मेरी मम्मी को ना उनके मायके से मिला था, तो मैं इस बार दादी घर गई थी ना, तो वो निकाल के दिखा रही थी, तो वो मुझे ये दी, और मेरी दादी को भी मिला था जब उनका शादी हुआ था, तो इसी टाइप का थाल था। और मेरी चाची को भी मिला था, मतलब थोड़ा अलग अलग शेप में था बट यही वाला थाल था, तो मतलब पहले के लोग को ये थाल मिलता था और इस थाल में खाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अभी ज़्यादा बक बक नहीं करना है, मुझे लग रहा है शायद मैं पहले आ गई हूँ, कोई इशू नहीं है।
गाइस मैं कहते कहते थक गई यार। अभी मेरा अबे यार मेरे को रह रहा है कि पता नहीं क्यों मैं डर जा रही हूँ। मतलब थोड़ा सा भी कुछ अपना ही शेडो देख के मेरी हालत खराब हो जा रही है। ओह मैं आपको अपनी प्लेट दिखा दी, मैं बहुत थक गई खा दी। तो अभी जल्दी से मगरिब अता कर लेते हैं क्योंकि बाहर में देखो रोशनी है अभी और अंधेरा होने तक मगरिब का वक्त रहता है। सो गाइज लुक एट माई प्लेट, जितने फ्रूट्स थे सब मैंने सफ़ा चाट कर दिए। एंड फ्रूट्स ईजी टू डाइजेस्ट होता है तो वो हो जाएगा जब तक नमाज अदा करते हैं, जब तक फ्रूट डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तब इसमें चना है एक बोल और चूड़ा मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया एक्साइटमेंट की वजह से, तो इसमें मैं बस क्वार्टर ही लूँगी, एकदम हाफ भी नहीं लूँगी, क्वार्टर ही लूँगी, बिकॉज इतना मैं खा नहीं पाऊँगी, बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा। एंड खीरा मैं खाऊँगी चना के साथ, तो उसको हम लोग खाएंगे बाद में। अभी उधर देखो मैंने अपनी शरबत को भी टच नहीं करा, मतलब शरबत पी ली हूँ अभी, रूहअफ़ज़ा मेरा वैसे का वैसे ही है। और उधर आप लोग को दिख रहा है मेरा एक और सूट आ चुका है और उसको मैं रखी हूँ। पहले फटाफट से मगरिब अदा कर लेते हैं, मैं वजू करके आती हूँ। यार बहुत ज़्यादा मैं थक गई, मेरी पीठ में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद वीकनेस हो गया है यार मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी डन हो चुका है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल अ बिट, और शायद मुझे पता नहीं क्या हुआ है, क्या इशू आ रही है मेरे साथ। एक्चुअली मैं कुछ भी खा रही हूँ तो विदिन 3 to 5 minutes मेरे को वॉशरूम जाना पड़ रहा है। एंड ये अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैंने बहुत सारे दवा खा रखे हैं, लाइक फ्लाजिल भी मैं खा रही हूँ, नरफ्लाक्स टीजेड भी खा चुकी हूँ, मैं इंट्राकिनल भी खा चुकी हूँ। और मतलब जितना टाइम तक मैं मेडिसिन ले रही हूँ उस टाइम तक थोड़ा बेटर रह रहा है, एकदम पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा है। और मेडिसिन अगर नहीं ले रही हूँ तो एकदम मतलब कंडीशन ख़राब हो रही है। अभी तो फास्टिंग पूरे दिन का इंसान रोज़ा रख रहा है मगर फिर भी मुझे वॉशरूम बार बार दौड़ना पड़ रहा है यार, इतना गंदा वाला हालत हो गया है। फ्रूट्स खाओ तब भी दौड़ो, कुछ भी खाओ तब भी दौड़ो। एंड अभी ये मेरा चना बाकी है मुझे खाना, तो अभी मैं मतलब फ़्रेश होके नमाज पढ़ के फ्रेश होके तभी आ रही हूँ और अब मैं अपने चने को खाऊंगी। वैसे पता नहीं सब लोग कब आएंगे यार, घर में पता है अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता है इसमें चूड़ा को मिक्स करके खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। और देखो आज के अवतार में मेरा कोई प्याजू नहीं था, कोई कचड़ी नहीं था, मगर फिर भी मेरा अवतार बहुत हेवी था और बहुत फुल फिलिंग था। और आपको एक और बात बताऊं, लोगों को लगता है ना कि रोज़ा रखने से हम पतले हो जाएंगे, जब रमज़ान आता है तो मेरा वेट और इंक्रीज़ होने लगता है। पूछो कैसे, मैं फ्रूट्स इतना ज़्यादा खाती हूँ ना, एंड फ्रूट्स में होता है नेचुरल शुगर जो कि आपके वेट को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना फ्रूट्स एक क्वान्टिटी होता है जिसको अगर आप लोगे तो आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हो, बट अगर उस क्वांटिटी से अबव लोगे ना तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा हाई डाइट के साथ है। तो यार अब तो मैं खा लूँ, मतलब फ्रूट्स ऑलमोस्ट मेरे पेट में डाइजेस्ट हो चुके हैं एंड अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तो इसको खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी एंड फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कल इफ्तार के बाद मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सा लग रहा था एंड नथिंग वॉज लुकिंग सो गुड एंड लाइक मूड भी नहीं हो रहा था कुछ भी ब्लॉगिंग का, तबीयत बहुत ही अजीब सा मेरा हो रहा था। अभी भी देख सकते हो फेस भी बहुत स्वेल कर रखा है मेरा। तो आज भी मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा ऐसे छोड़ने की नौबत पे नहीं हूँ मैं और रोज़ा छोड़ना नहीं है मुझे। तो बस अभी मॉर्निंग में मैं सोची कि थोड़ा सा बता दूँ एंड देन फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, बिकॉज इस ब्लॉग को मेरे को अभी शेयर भी करना है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय।